दिन बाद रेड क्रॉस भवन में वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों का हंगामा। कोरोना वैक्सीन से अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी ही जिंदगी लगा रहे हैं दांव पर, सोशल डिस्टेंसिंग करना ही भूल गए। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिले भर में चल रही कोविड 19 वैक्सीनेशन अभियान बदहाली एवं लापरवाही का शिकार होती जा रही है। एक और जहां वैक्सीन की आपूर्ति में भारी कमी है, वहीं वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वाले लोगों को व्यवस्थित नहीं कर पाने से कई सेंटर पर अराजकता व हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शहर के रेड क्रॉस भवन में शुक्रवार को ऐसा ही अराजक और बदहाल व्यवस्था दिखी। जब शहर के विभिन्न क्षेत्र से लोग वैक्सीन लेने पहुंचे, तो वहां व्यवस्था का अभाव दिखा, जिसकी वजह से भीड़ एकत्रित होकर हो हंगामा करने लगी, जिससे वैक्सीनेशन अभियान में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो गई। लोगों का कहना है कि जिले में वैक्सीन की कमी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग व वैक्सीनेशन से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट नहीं करने की वजह से जिले में कई बंद सेंटर पर भी लोग पहुंच जा रहे हैं। इस बाबत पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जिससे कई सेंटरों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित हो रही है और वहीं हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। जानकार बताते हैं कि अगर ऐसी ही अराजक स्थिति कायम रही तो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी संघर्ष में वैक्सीनेशन अभियान में गहरा धक्का लग सकता है, जिससे अभियान के विफल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कब से आए? सुबह करीब 5:25-30 पे आया। आगे देखे एक आदमी बैठा हुआ था, वो नंबर लिख रहा था, पता नहीं मैं उसका चेहरा देखे, कुछ फोटो वोटो नहीं खींचे। वो बोला कि 8 बजे आइए, 8:30 बजे आइए आराम से। उससे पहले मैं घर भी नहीं गया था, बाद में इधर ही घूम घाम के थोड़ा नाश्ता पानी करके आ रहा हूँ। आगे देख रहा हूँ कि ऐसा भीड़ लगा है, कोई लिस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं। वो आदमी कौन था जो लिस्ट बना रहा था उस समय? वो तो मालूम नहीं, लेकिन दरवाजे अंदर का खुला हुआ था और आदमी बाहर लिस्ट बना रहा था। अभी अगर कोई और आदमी रहेगा तो उन लोगों को देखना चाहिए था ना, कोई बाहर का आदमी अगर करेगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बैद्यनाथ है। आप बताइए कब से आए हुए? 6:15 आए थे। सुनील कुमार मेरा नाम है। मेरा नंबर भी मैं बता दूं, मैं लोकल इंस्पेक्टर हूं। मैं अभी राजधानी से फुट पर करके आया था, सीधा गया से, और राजधानी जैसे उतर के आया था सीधा मैं यहाँ से आए, यहाँ से आके नाम लिखा है। मेरा दूसरा नंबर नाम था 6:15 जो लिस्ट में। 6:15 तो यहाँ जो यहाँ के जो प्रबंधन है उनका कहना है कि नाम नहीं लिखा है। नाम सर, वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आए हुए लोगों को अभी तक मिला नहीं है, हंगामा कर रहे हैं, क्या आप लोग की तरफ से क्या कुछ ऐसा है? जो व्यक्ति हंगामा कर रहे हैं वो मनबड़ू हैं और वो अव्यवस्था फैला रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर नंबर में सुबह से आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे कुर्सियों में बैठे हुए हैं। पिछले 20-25 दिन से जब से वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। कैन आई ओपन द मास्क? यस यस, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन एक्सप्लेनिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की ना तो लिस्ट बन रही है, ना कोई पर्ची चल रही है, और ना हम किसी को डायरेक्ट एंटरटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। हमने कुर्सियाँ लगा रखी हैं, NDC साहब और DC साहब के सहयोग से यहाँ पे पंडाल बनाया गया, जिसमें पंखे भी लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था है, बैठने की कम से कम 500 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, और 200 डोज के हिसाब से हम लोग 100 लेडीज़ और 100 जेंट्स को हम लोग एक तरफ बैठाते हैं, जिसमें 18 और 45 वर्ष की कैटेगरीज हैं। जो पहले आता है वो अपने खड़ा रहने के बजाय उसको बैठा के बोलते हैं कुर्सी पे सरकते जाइए, एक एक करके आगे बढ़ते जाइए, कहीं किसी किस्म की कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन जो लोग देर से आए हैं वो लोग जबरदस्ती गेट के ऊपर जाम करके जो जेन्युइन आदमी नंबर में लगा हुआ उसको भी काम नहीं करने दे रहे। लेकिन यहाँ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही लिस्ट बनाया गया है। सर आप एक बात बताइए सर, मैं जब अगर एक सेकंड, अगर यहाँ पे लिस्ट अगर बन रही होती तो हमारे को 180 वैक्सीन आज अलॉटेड है, ठीक है, 90-90 दो वैक्सीन दोनों ग्रुप्स को दी जाएंगी, 18+ को भी और 45+ को भी। अगर हमारा नंबर जो आदमी 6 बजे से आके नंबर लगा के बैठा है, आप उसको कैसे हटा देंगे? और लिस्ट का कोई कागज का किसी लिस्ट का कोई वैल्यू नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास एक भी लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ रेड क्रॉस के संबंधित या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी व्यक्ति, तो आप बताइए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पे पहली बात मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद सुबह से यहाँ पे दौड़ भाग करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लोगों को बैठाते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी सीट मत छोड़िएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो पहले आएगा उसको लगेगा। तो अभी वैक्सीनेशन का दिया जाएगा? अगर ये व्यवस्था ठीक हो जाती है, लोग जिस तरीके से हॉचपॉच कर रहे हैं कि पहले हम तो पहले हम में तो जो बेचारे लाइन में बैठे हुए हैं वो फिर उनके साथ नाइंसाफी है ना। आप ही बताइए कैसे किसका काम करे, इतने भीड़ हंगामे में तो नहीं बीमारी फैलती होगी तो बीमारी फैल जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको दिया जाएगा। जी पहले आएंगे उनके कागजात सही होने चाहिए, उनके पास उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, सारे कागजात अगर उनके हैं। अपनी तरफ से क्या कुछ कोशिश सर? हमारी तरफ से हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो हमारा काउंटर है उसमें एक व्यक्ति को 3.5 से 5 मिनट का समय देते हैं, 5 मिनट से ज्यादा का समय देना
दूसरे व्यक्तियों के साथ नाइंसाफी है कि वो एक आदमी खिड़की पकड़ के खड़ा हो जाएगा और दूसरे लोगों को समय नहीं लगेगा। आप ये बताइए सर जी, इस भीड़ में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन पहले आया है और किसे पहले देना है? जो कुर्सी पे पहले बैठे हुए हैं, जो सुबह से आके कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लाइन लगी है, सबके सामने कुर्सी लगी है। यहाँ पे किसी को यहाँ पे किसी को भी ये नहीं कहा गया कि आप आके बीच में बैठ जाइए। इतने लोगों में किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है और किसी सबसे दोस्ती सबसे है, ठीक है। हमारे अपने जान पहचान के लोगों को हम नहीं लगा पा रहे हैं, मेरी पत्नी का खुद का ड्यू है, हम नहीं लगा पा रहे हैं इस भीड़ में, दो तीन दिन बाद ही लगवाएंगे। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले आया वो बैठा है, उसमें आप पूछिए पब्लिक से कि आप पहले आए कि ये लोग जो खड़े, अगर ये लोग जो खड़े हुए हैं अगर ये पहले आए थे तो क्यों इन्होंने कुर्सी छोड़ी, इनको कुर्सी पकड़ के रखनी चाहिए। मेरा नाम आशीष अग्रवाल हुआ, मैं यहाँ पे मुख्य आयुक्त संगठन हूँ हिंदुस्तान स्काउट।